इनके लिए सबसे पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूंगा, अभी तो उड़ी है थोड़ी सी पुरंदे, अभी तो बाज की उड़ान बाकी है, अभी तो नापी है थोड़ी भर मुट्ठी भर जमीन, पूरा आसमान नापना बाकी है। मैं बुलाना चाहूंगा हाजीपुर के क्यूट सी बॉय को, छोट उनको कहा जाता है हाजीपुर में छोटा पैकेज बड़ा धमाका, मिस सॉरी मिस्टर राजन जी को इसके बारे में खुद से बताएंगे, जानिए कि इनक्रेडिबल में कैसे कितने दिन पहले आए और कहने का इनक्रेडिबल से क्या क्या किए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग वंस अगेन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कहा जाता है ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। माई सेल्फ राजन सिंह फ्रॉम भगवानपुर, बहुत लोग भगवानपुर स्टेशन जानते होंगे, बस वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ, स्टेशन में जाके पूछे वो राजन सिंह घर तक पहुंचा दे। एजुकेशन की बात करूं तो आज बीएससी पार्ट वन का स्टूडेंट हूं और साथ साथ इस बिजनेस को अच्छे तरीका से लीड करके चल रहा हूं। और बात किया जाए, बहुत सर आए बोले कि मेरे साथ इतने लोग हैं इतने लोग हैं, मैं लोग के लिए तो जरूर किया था, लेकिन मेरा सपना था क्या कि बहुत हैंडसम हैंडसम लोग आता है मेरे सामने ऊपर चढ़ के बोल के चला जाता है, तो मैं यहाँ पैसा कमाने नहीं आया था, मेरे सीने में जलन थी कि उस सर की तरह मैं कब बनूंगा कि मुझे वो स्टेज मिलेगी और मैं वहां जाके बोलूंगा। लेकिन आज एक इनक्रेडिबल ऐसी हमको संस्था मिली जहां से मैं अपने सारे सपनों को पूरा करके स्टेज को ही पकड़ लिया। बात करें इनकम की तो ज्यादा कुछ तो नहीं, लोग बोलते हैं महीने का, अभी देखते हैं हमारे अगल बगल बीए पास मैट्रिक पास बहुत लोग हैं, एमए बीए करके धोती लुंगी में घूमते हैं, लेकिन उनसे छोटे उम्र में अभी ज्यादा कुछ नहीं, 35 से 40 हजार का इनकम करता हूं महीने का मेरे दोस्त। बात की जाए अचीवमेंट की तो मेरा भी एक सपना था, एक अपनी बाइक होगी, पापा को बोले थे पापा सरकारी जॉब करते हैं हॉस्पिटल में, पापा हॉस्पिटल में सरकारी जॉब करते हैं, मम्मी टीचर है, पापा जी को बोले कि पापा जी मेरे को अपाची चाहिए, पापा जी बोले कि बेटा रुको कुछ इंतजाम करते हैं कुछ इधर उधर से मैनेज करके एक दो महीना में आ जाएगा, मैं बोला कि आप एक दो महीना में रोकोगे, मैं एक ऐसा संस्था में काम ऐसे प्लेटफॉर्म में हूँ कि आप एक दो महीना रोकोगे, मैंने उसी जलन के साथ काम किया और अपने इनकम से 3 महीना 7 दिन में अपाची 164 भी 1,10,000 का निकाला, और मैं वो जो अपाची लिया वो 1,10,000 की नहीं है, मैं अगर उसको 1,10,000 की अपाची नहीं मानता, मैं अगर 6,999 अगर एक पैकेज लेके स्टार्टअप नहीं करता क्या मेरे पास वो अपाची आ पाती? नहीं नहीं, लेकिन मैंने 6,999 का पैकेज लेके स्टार्टअप किया और उसकी बदौलत आज मेरे पास अपनी खुद की इनकम की अपाची भी आ चुकी। बात करें नेक्स्ट गोल की तो आने वाले 22 तारीख को, आने वाले 22 तारीख को ज्यादा कुछ नहीं, अपना एक डेल का लैपटॉप भी आने वाला मेरे भाई, और बिलीव नहीं होगा तो 22 तारीख को मेरे घर पे आना, एक मिठाई जरूर खिला देंगे। सब लोग बोलते हैं ना कि कार बिना जिंदगी बेकार, मैं भी सोचा कि अब बताओ भाई इस उम्र में कार लेंगे तो चढ़ने का कुछ मजा अलग होगा और पैर झूलता रहेगा और स्टीयरिंग दाबेंगे क्या मजा आएगा? नहीं, लेकिन इस उम्र में सोचे हैं और वो करके दिखाएंगे। 29 मई 2019 मेरे घर पे आना मेरे भाई, मैं दिखाऊंगा अपना I-20 अपने दूरा पे खड़ा होगा। कहा जाता है ना एक शायरी सुनना पसंद है आप लोग को, बोल दूं? चलो बोल दूं। जीता हूं तेरा नाम लेकर मरने के बाद ये अंजाम होगा, जीता हूं तेरा नाम लेकर मरने के बाद ही अंजाम होगा, कफन उठा के देखना है मेरे दोस्त हर जख्म पे इनक्रेडिबल का नाम। इजाजत मिलेगी एक और की? यस। सुना दूं? चलो सुना देता हूं। बांध लो कफन में बोतल,
बांध लो कफन में बोतल, कब्र में बैठ के पिया करेंगे। लड़कियों से तो हुई है बेवफाई, क्योंकि टाइम ही नहीं बचता मेरे भाई। लड़कियों से तो हुई बेवफाई, इस जेल में जाके लैपटॉप बाइक कार से सेटिंग किया करेंगे। थैंक यू मेरे भाई, थैंक यू सर के लिए जबरदस्त अप्लॉज होनी चाहिए। बोला था ना छोटा पैकेज, सच में बहुत बड़ा धमाका।